हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने मार्शियल गॉड में देखा कि असुरा घोस्ट एक्स सुफेंग को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिसको देख के एट अलायंस के सारे मास्टर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। आखिरी में हमने देखा था कि सारे एट अलायंस के सारे लोग हिडन पैलेस में ट्रेजर ढूंढने के लिए गए होते और वो लोग लौट के आ चुके होते, मगर उन लोगों को कोई भी ट्रेजर नहीं मिला होता है। और आज की एपिसोड में हमें दिखाया जाता है सुफेंग को प्रेस्टिजियस विले के उसके कमरे के अंदर। सुफेंग डेंगडेंग के फॉर्मेशन की मदद से, असुरा घोस्ट एक्स की मदद से कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी अचानक से सुफेंग बहुत ही खुश होकर डेंगडेंग को कहने लगता है, डेंगडेंग में सक्सेस हो गया और मैंने इस एक्स के इफेक्ट को ढून लिया है। तभी डेंगडेंग कहने लगती है, ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, जब हम इस मैरिज गैदरिंग से चले जाएंगे तो हम एक स्पेशल जगह में जाके इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करके असुरा घोस्ट एक्स का कंप्लीट पावर और इसका इफेक्ट को बाहर ला आएंगे। तभी सुफेंग डेंगडेंग को कहने लगता है कि डेंगडेंग तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया, तुम्हारे बिना मैं ऐसा नहीं कर पाता कभी भी, और मैं असुरा घोस्ट एक्स का रियल पावर को कभी जान भी नहीं पाता। तभी डेंगडेंग हंस के कहने लगती है, ऑफ कोर्स मेरे इंटेलिजेंस को तुम किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। तभी सुफेंग कहने लगता है, जितना जल्दी से मैं ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर बन जाऊंगा और मैं उस मॉन्स्टर मंकी को भी असुरा घोस्ट टावर से निकाल सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं सुरुई और सुमे को भी बचा सकता हूँ, और इसके साथ साथ मैं वॉल स्पिरिट गेट को ओपन करके तुम्हें भी फ्रीडम दिला सकता हूँ डेंगडेंग। तभी डेंगडेंग सुफेंग को कहने लगता है, सुफेंग तुम इस सारे चीज को बहुत ही आसान समझ रहे हो, एक ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर बनना इतना भी आसान नहीं है, तुमको उसके लिए अपने स्पिरिचुअल बॉडी को भी पावरफुल बनाना होगा और साथ ही साथ तुम्हारे स्पिरिट को भी पावरफुल होना होगा। जब एक कल्टीवेट करके अपने बॉडी को हेवेनली रिलीम में पहुँचाता है, तभी वो ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर का फॉर्मेशन और उसका तब स्वर स्पिरिट भी ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर के समान होता है। तभी डेंगडेंग का बात सुन के सुफेंग थोड़ा निराश हो जाता है और कहने लगता है, क्या मेरा बॉडी और मेरा स्पिरिचुअल पावर इतना नहीं है कि मैं एक ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर का फॉर्मेशन क्रिएट कर लूँ, क्या इसके लिए मुझे एक हेवनली रिलीम बॉडी चाहिए। तभी डेंगडेंग सुफेंग को कहने लगती है, सुफेंग तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग है कुछ कुछ जगह में, इतना कि जीलिंग के बॉडी से भी तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग है, मगर तुम एक हेवनली रिलीम के कल्टिवेशन करने वाले कल्टीवेटर से इतना पावरफुल नहीं हो। और मुझे ये भी लगता है, अगर तुम जल्दी से ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर बनना चाहते हो तो तुम अपने कल्टीवेशन को 3rd लेवल ऑफ प्रोफाउंड लेवल से 7th लेवल ऑफ प्रोफाउंड लेवल तक ले जाना होगा जल्दी से। तभी अचानक से बाहर से कोई सुफेंग को चिल्लाने लग जाता है और कहने लगता है, सुफेंग मैं जानता हूँ तुम इधर ही हो, इसलिए जल्दी से बाहर आओ और दरवाजा खोलो। जिस बात को सुन के सुफेंग और डेंगडेंग थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी सुफेंग को दिखाया जाता है जो दरवाजा खोलने के लिए बाहर आता है, और तभी हमें पता चलता है बाहर और कोई नहीं है, गुबुफेंग होता है। तभी दिखाया जाता है गुबुफेंग बहुत ही जल्दी में सुफेंग को कहने लगता है, सुफेंग इधर कोई अच्छा हो नहीं रहा है, इसलिए तुम्हें जल्दी से इधर से जाना होगा, अगर तुम जल्दी से इधर से नहीं जाते हो तो तुम मर भी सकते हो। तभी सुफेंग कहने लगता है, गुबुफेंग इधर क्या हो रहा है। तभी दिखाया जाता है गुबुफेंग बहुत ही हड़बड़ी में कहने लगता है, हमारे वाइस मास्टर गाओ ने बताया है तुम्हें कोई एक एलीट आर्नामेंट मिला है और उन्होंने मुझे इधर भेजा है तुमको इधर से जल्दी से बाहर जाने को कहने के लिए, और उनने ये भी कहा है कि जी क्लैन के साथ यानू शेख, फायर गॉड शेख, हिडन व्हाइट शेख, अंडरस्टैंडिंग वैली, स्वॉर्ड गॉड वैली और प्रेस्टिजियस विला हाथ मिला चुका है तुम्हारे से उस एलीट आर्नामेंट को लेने के लिए। तभी सुफेंग कहने लगता है, ये सारा कुछ कैसे हुआ है, उन लोगों को क्या पता नहीं है क्या मैं स्पिरिट मास्टर गिल का पार्ट हूँ, वो लोग क्या स्पिरिट मास्टर गिल से घबराते नहीं हैं। तभी दिखाया जाता है गुबुफेंग फिर से कहने लगता है, जियान क्लैन के सारे लोग ने
दूसरे लोगों को झूठ बोल के कहा है तुम्हारे असुरा घोस्ट एक्स के अंदर बहुत सारा टेक्निक मार्शल आर्ट है जिसकी मदद से वो लोग मार्शल गॉड लेवल में पहुंच सकते हैं, इसलिए सारा कुछ ये हो रहा है। और जब इसके बारे में सारे लोगों को पता चला, सारे लोग तुमको मारने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह आ चुके हैं, और इसलिए हमारा स्पिरिट मास्टर गिल भी तुम्हें अब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, और वो सारे लोग हमारे स्पिरिट मास्टर गिल के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तभी ये सारा बात सुन के सुफेंग कहने लगता है जियान क्लैन में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक दिन में तुमको इसके लिए भुगतना ही पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है बाहर से कोई उस रूम के अंदर कोई अटैक कर देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सारे मास्टर उस रूम के अंदर आ चुके हैं। तभी गुबू फेंग को उधर देख के जी क्लैन का मास्टर कहने लगता है, इधर तो वो चूहा आ भी गया इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए इतनी जल्दी से, और मैं जानता ही था स्पिरिट मास्टर गिल का वाइस मास्टर इस इन्फॉर्मेशन को सुफेंग को दे ही देगा, इसलिए हम लोगों ने सारा बात उसके सामने नहीं किया है। तभी सुफेंग कहने लगता है तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है व्हाइट लोटस गिल का मास्टर सुफेंग को कहने लगता है सुफेंग तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इधर मारने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ इधर आए हैं तुम्हारे असुरा घोस्ट एक्स के अंदर रहने वाले सारे ट्रेजर और टेक्निक को देखने के लिए। तभी सुफेंग कहने लगता है तुम लोग कैसे नॉनसेंस की तरह बात कर रहे हो, मेरे एलिट आर्नामेंट ने ऑलरेडी मुझे अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर लिया है, और वो एक सिर्फ एलिट आर्नामेंट ही है, इसके अंदर कोई ट्रेजर और मार्शल स्किल नहीं है। तभी जी क्लैन का मास्टर कहने लगता है अगर तुम्हारे एलिट आर्नामेंट ने तुम्हें मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया है तो क्या हुआ, क्या इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया, इसके अंदर जो टेक्निक है जिसकी मदद से हम हेवेनली रिम में पहुंच सकते हैं, क्या हम उससे कोई मतलब नहीं रख सकते हैं। तभी दिखाया जाता है स्पिरिट मास्टर गिल का वाइस मास्टर उधर आ जाता है और चिल्ला के कहने लगता है तुम हमारे स्पिरिट मास्टर गिल के आदमी के साथ इस दिन के उजाले में क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी जी क्लैन का मास्टर पीछे मुड़ के स्पिरिट मास्टर गिल के वाइस मास्टर को कहने लगता है आप क्या सुफेंग को ऐसे प्रोटेक्ट करके इस ट्रेजर को अपना बनाना चाहते हैं। तभी दिखाया जाता है इस तरीके से वाइस मास्टर गांव के साथ सारे मास्टर बहस करने लग जाते हैं, कोई कहने लग जाता है इस एक्स के अंदर बहुत सारा ट्रेजर और स्किल है, दूसरी तरफ फाइज मास्टर कहने लगते हैं तुम लोग कैसे कह सकते हो इस एक्स के अंदर ट्रेजर है। तभी दिखाया जाता है अचानक से सुफेंग सारे लोगों को कहने लगता है सारे लोग आप लोग चिंता मत करिए, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, अगर आप लोगों को मेरा ट्रेजर असुरा घोस्ट एक्स चाहिए तो मैं दे दूंगा, मगर मेरा एक कंडीशन है, जिसको सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी जी क्लैन का मास्टर कहने लगता है तुम्हारा कंडीशन क्या है सुफेंग। तभी दिखाया जाता है सुफेंग सारे लोगों को कहने लगता है आप लोग मुझे मिलियन प्रोफाउंड बीज दीजिए, जिसको सुन के सारे लोग हैरान हो जाते और कहने लगते क्या मिलियन प्रोफाउंड रिलीम बीज, ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। तभी सुफेंग कहने लगता है आप लोगों को क्या पता नहीं है मेरे असुरा घोस्ट एक्स के अंदर बहुत सारा ट्रेजर और मार्शल स्किल है, उस ट्रेजर और मार्शल स्किल की कीमत क्या 1 मिलियन प्रोफाउंड बीवी नहीं है, और आप लोग जब तक मुझे 1 मिलियन प्रोफाउंड बीज देते हैं तो मेरे असुरा एक्स का सारा ट्रेजर आप लोगों का हो जाएगा। तभी जी क्लैन का मास्टर कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हारे बात से एग्री करता हूँ, मगर मेरा एक कंडीशन है, मुझे सारे ट्रेजर को हासिल करने के लिए तुम्हारे असुरा घोस्ट एक्स का और तुम्हारे बीच का कनेक्शन को तोड़ना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे राइट हैंड को भी चाहता हूँ। तभी दिखाया जाता है इस बात को सुन के स्पिरिट मास्टर गिल का वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही गुस्से में आ जाता है और जी क्लैन के मास्टर को कहने लगता है ऐसी बात करने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। तभी हमें सुफेंग को दिखाया जाता है जो एक स्माइल करके कहने लगता है जल्दी से 1 मिलियन प्रोफाउंड बी मेरे सामने लाओ और मेरा राइट हैंड भी तुम्हारा हो जाएगा। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एन होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और सुफेंग क्या असुरा घोस्ट एक्स को क्या सारे लोगों को दे देगा, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।